हेलो गाइस, टिब्बू चैनल के एक नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं WRX टोकन के बारे में कि WRX टोकन का जो बर्न इवेंट है उसका एग्जैक्ट डेट क्या है, कितना नंबर ऑफ टोकन को बर्न किया जा सकता है एंड जो है टोकन बर्न का जो इवेंट है उसका इम्पैक्ट WRX टोकन का प्राइस के ऊपर कैसे पड़ सकता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने का कोशिश करूँगा एंड फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आपको WRX कॉइन को फ्यूचर के लिए होल्ड करना चाहिए, क्यों इस टोकन का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में कॉइन बर्न क्या है। जब भी कोई टोकन का या कॉइन का कॉइन बर्न किया जाता है तो उस टाइम पे जितना टोकन को बर्न किया जाता है उतना ही टोकन को कोई एक प्राइवेट वॉलेट में सेंड किया जाता है, उसके बाद उस प्राइवेट वॉलेट का बैकअप फेज या प्राइवेट की को डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि कोई उसे यूज ना कर पाए एंड प्रूफ के लिए जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो भी शेयर किया जाता है पब्लिकली ताकि लोग समझ पाए कि हाँ सच में टोकन को बर्न किया गया है। एंड ये जो टोकन बर्न है ज़्यादातर किया जाता है जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में से, यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है ना, जितना भी टोकन्स मार्केट में अवेलेबल है तो मार्केट में जितना भी टोकन्स अवेलेबल है यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई में से कुछ टोकन्स क्रिएटर के पास या इनका जो डेव टीम है उनके पास भी रहता है तो वही टोकन में से कुछ टोकन्स को बर्न किया जाता है, यानी टोकन बर्न करने के बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई घट जाता है। तो एक्चुअली में जो ये जो टोकन बर्न है, टोकन बर्न का एग्जैक्ट डेट क्या है, तो ऑफिशियल एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये टोकन बर्न होने वाला है। तो मैं आपको लास्ट जो टोकन बर्न हुआ था फोर्थ क्वार्टर टोकन बर्न मैं आपको दिखा देता हूँ डेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 15 अप्रैल को लास्ट जो है बर्न हुआ था एंड हर 3 मंथ के बाद ही जो है टोकन को बर्न किया जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ही ये टोकन बर्न का इवेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, यही डेट को आप एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो टोकन बर्न का जो इंपैक्ट है कैसे WRX टोकन के ऊपर पड़ सकता है। तो यहां मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है चीज को दिखा रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो अभी करंटली जितना भी प्राइस है ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा डिमांड एंड सप्लाई का जो फॉर्मूला है। आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा सप्लाई रहता है एंड डिमांड कम रहता है उस टाइम पर प्राइस का जो कुछ कोई भी गुड्स हो या कोई भी करेंसी हो उस करेंसी का प्राइस जो है घटता है एंड अगर डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहे एंड सप्लाई लो रहे तो प्राइस जो है हमेशा इंक्रीज होगा। तो ऐसे में अगर टोकन को बर्न किया जाता है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो यहां आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 293 मिलियन का जो सप्लाई है ये घट के कम होगा। तो उस टाइम पे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्राइस है जैसे कि 85 रुपीज आप देख पा रहे हो इसे कैसे डिसाइड किया जाता है, तो कैलकुलेटर में ओपन कर रहा हूँ, आपको जो मार्केट कैप है इससे डिवाइड करना होगा सर्कुलेटिंग सप्लाई। एक एग्जांपल देके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है। अगर आप देखेंगे 25088140572 इसके साथ मैं डिवाइड कर रहा हूँ जितना भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है यानी 293763584 इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो अभी आप देख पा रहे हो कि करंटली जो प्राइस है यही यहां पर आ चुका है। तो यानी अगर आप मार्केट कैप से सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिवाइड करेंगे तो लाइव प्राइस आपको पता लगेगा। तो सिंपल सा बात है, अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होता है एंड मार्केट कैप के साथ अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिवाइड करेंगे तो आपको करंटली प्राइस पता लग जाएगा। अगर बाई सेल ना हो वो अलग बात है कि बाई सेल होगा तो ट्रेड कम जो है प्राइस कम ज़्यादा होगा, मैं आपको एक नॉर्मल सा सिंपल सा बता रहा हूँ कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे में अगर मान के चलिए जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये घट जाए तो इससे पहले समझना होगा कितना नंबर ऑफ टोकन को बर्न किया जाएगा। तो ऐसा कोई एग्जैक्टली नंबर नहीं है कितना ही टोकन को बर्न किया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर लास्ट जो बर्न हुआ था ऑलमोस्ट जो है 3,75,03,333 टोकन को बर्न किया गया था, इतना टोकन को भी अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ माइनस करेंगे एंड उसके बाद अगर उससे आप डिवाइड करेंगे मार्केट कैप को तो आप देखेंगे तो 86.60 रुपीज के आसपास जो है प्राइस होगा। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ 1 रुपए का प्राइस इंक्रीज होगा तो इससे क्या फायदा हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको जो है प्रैक्टिकली बताया कि इतना प्राइस इंक्रीज होगा अगर ट्रेड ना हो, अगर बाय सेल ना हो, लेकिन आपको पता है कि एक हाइप बना हुआ है मार्केट में तो उसके वजह से जब भी अनाउंसमेंट होगा टोकन बर्न का एग्जैक्ट डेट एंड जब टोकन बर्न किया जाएगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग और भी ज़्यादा बाई करेंगे क्योंकि एक हाइप बना हुआ है, उसके वजह से भी प्राइस इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि क्यों जो है टोकन बर्न का जो इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ सकता है WRX कॉइन का टोकन का प्राइस के ऊपर। अब मैं कुछ आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि फर्स्ट जो टोकन बर्न किया गया था उसका जो डेट था वह 5th जुलाई 2020 को एंड
ऑलमोस्ट 8,33,000 के आसपास टोकन को बर्न किया गया था एंड जिसका मार्केट वैल्यू था ऑलमोस्ट 92 लाख रुपीज़ के आसपास। इसके बाद सेकेंड जो टोकन बर्न हुआ था वो है 13th अक्टूबर 2020 को, इस टाइम जो है 3,33,33,333 टोकन को बर्न किया गया था जिसका मार्केट वैल्यू था ऑलमोस्ट 2,47,00,000 रुपए के आसपास। यहाँ आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्वार्टर में जितना टोकन बर्न किया गया था उसके बाद सेकंड क्वार्टर में उससे ज़्यादा टोकन को बर्न किया गया है, लेकिन इस एक कोई भी फिक्स नहीं है कि अगर फोर्थ क्वार्टर में जितना टोकन को बर्न किया गया है फिफ्थ क्वार्टर में उससे ज़्यादा टोकन को बर्न किया जाएगा। इनका जो कहना है कि अगर इनका जो एक्सचेंज का वॉल्यूम ज़्यादा हो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो और भी ज़्यादा यूज़र बेस बढ़े तो उस टाइम पे वो और भी ज़्यादा जो टोकन है उसे बर्न करेंगे। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना ही टोकन को बर्न किया जाएगा या पहले जितना टोकन को बर्न किया गया था उससे ज़्यादा टोकन को बर्न किया जाएगा। थर्ड क्वार्टर में अगर हम देखें कि थर्ड जो बर्न हुआ था ऑलमोस्ट, यहाँ से आप डेट को देख पा रहे हो जो 20 जनवरी इसी साल को 2021 को, इस टाइम पे ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं कि 6,53,33,333 टोकन को बर्न किया गया था जिसका वैल्यू था ऑलमोस्ट 5,08,96,000 रुपए के आसपास इंडियन रुपीज़ में। तो यानी क्वार्टर टू से ज़्यादा बर्न किया गया था क्वार्टर थ्री में। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं कि फोर्थ जो इवेंट हुआ था बर्न इवेंट, उसमें वो हुआ था लगभग लास्ट जो इवेंट था 15 अप्रैल को, एंड इसमें टोकन बर्न किया गया था ऑलमोस्ट 3,75,03,333 टोकन जिसका मार्केट वैल्यू था ऑलमोस्ट 112 करोड़ रुपए। अगर डॉलर में आप देखेंगे तो $14 मिलियन। तो अगर आप देखें कि जो थर्ड जो बर्न हुआ था उस टाइम पे टोकन का जो क्वांटिटी था वो ज़्यादा था लेकिन जो वैल्यू था टोकन का वो कम था, लेकिन अगर आप क्वार्टर फोर्थ को देखेंगे तो 112 करोड़ यानी जो वैल्यू था टोकन का वो बहुत हाई था लेकिन टोकन का क्वांटिटी को यहाँ से कम कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि Wazirx टोकन का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुआ था अप्रैल मंथ को। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग जो है 112 करोड़ या उससे ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है उतना ही क्वांटिटी का टोकन को जो है बर्न किया जाएगा। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए तब तक ये बताना मुश्किल है कि कितना नंबर ऑफ टोकन को बर्न किया जाएगा। इन्होंने बताया है कि जब भी टोकन का वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा उस टाइम पे जो टोकन है टोकन का जो बर्न का क्वांटिटी है उसे भी इंक्रीज किया जाएगा एंड वैल्यू को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो देखना होगा कितना नंबर ऑफ टोकन को बर्न किया जाता है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ डायरेक्टली जाकर चार्ट में दिखा देता हूँ कि बर्न इवेंट का इम्पैक्ट कैसे पड़ा है। तो फर्स्ट जो बर्न इवेंट है आप देख पा रहे हो 5 जुलाई को है, तो मैं यहाँ से ट्रेडिंग व्यू से मैं आपको 5 जुलाई का जो चार्ट है उसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से 5 जुलाई से पहले यानी 28 जून से ही जो है प्राइस पंप होते हुए आपको दिखाई मिल रहा है, यानी एक मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई का नज़र जो सप्लाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भी प्राइस इंक्रीज होने का चांसेस है, एंड अगर आप हाइप के हिसाब से देखेंगे तो एक मार्केट में हाइप बन जाता है उसकी वजह से और भी लोग बाय करते हैं, जितना भी लोग बाय करते हैं उतना ही जो है प्राइस इंक्रीज होता है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा, ये भी एक रीज़न है प्राइस पंप होने का। सेकंड रीज़न है मार्केट में एक हाइप बन रहा है और भी लोग बाय करेंगे उसके लिए भी इस टोकन का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। एंड अगर आप हर डेट में देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 10% से लेकर 30% तक भी प्राइस पंप हुआ है बर्न इवेंट का पहले या बर्न इवेंट डिक्लेयर होने का बाद या बर्न करने का बाद। तो यही रहा कुछ इम्पैक्ट जो कि पड़ सकता है टोकन बर्न के बाद या उससे पहले अनाउंसमेंट करने का बाद Wazirx टोकन का प्राइस के ऊपर। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि Wazirx टोकन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि Wazirx जो Wazirx एक्सचेंज आपको पता है कि इंडिया का नंबर वन एक्सचेंज है वॉल्यूम का मामले में भी। अभी आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट 24 आवर में 1609 BTC का ट्रेड हुआ है Wazirx एक्सचेंज में। तो आप सोच सकते हो कि ये छोटा मोटा कोई बात नहीं है। आप अगर हर एक आर्टिकल अलग अलग न्यूज़ चैनल में देखेंगे जब भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बात आती है उस टाइम पे Wazirx एक्सचेंज का नाम ही सबसे पहले लिया जाता है। एंड इनका जो CEO है जो है निश्चल सट्टी जी, उनका अगर Wazirx का अकाउंट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जाए, तो बहुत ज़्यादा इसका वो ट्राई कर रहे हैं। तो और एक रीज़न है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि Wazirx पहला एक एक्सचेंज है जो कि अपने यूज़र्स को कॉलिंग नंबर सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 3 नंबर दिया गया है जहां कहा गया है कि मंडे से लेकर संडे तक अगर 9 AM से लेकर 6 PM तक आपका कोई भी प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली कस्टमर केयर में आप कॉल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी एक बात है कि फर्स्ट ऐसा कोई इंडियन एक्सचेंज है जो कि अपने यूज़र्स को कॉलिंग नंबर सपोर्ट दे रहे हैं।
एंड और एक जो रीज़न है कि वाजिरिक्स एक्सचेंज का साथ कनेक्टेड है बाइनेंस एक्सचेंज, तो बाइनेंस एक्सचेंज का BNB टोकन को आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इस टाइम पे WRX टोकन भी इंक्रीज होगा अगर वाजिरिक्स एक्सचेंज आगे जाके और भी ज़्यादा डेवलप हो तो। WRX टोकन इसीलिए आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा सभी कुछ के बारे में एंड WRX टोकन का जो बर्न है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है WRX टोकन के ऊपर, ये भी आपको पता लग गया होगा। तो आप अपना व्यू मुझे नीचे बताएं कि आपका क्या एक्सपेक्ट है, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें इस कॉइन को, अगर आप हाई में परचेस करके रखें तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, वो भी आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।